नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। कासिमाबाद थाना क्षेत्र के चुरामनपुर गांव के पास गुरुवार की देर रात एक युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 बाइक सवार असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गए थे। इस दुर्घटना में नोनहरा थाना के बारिकपुर गाँव निवासी राजराम 20 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इसी गाँव का विमल किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरा बदमाश झखड़ी 23 मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए छीनी गई पीड़ित चुरामनपुर गांव निवासी आलोक राजभर का मोबाइल बरामद कर लिया था। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में शुक्रवार मृतक युवक राजाराम के पिता विसर्जन राम ने आलोक राजभर सहित 9 लोगों पर मारपीट कर बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कहा कि जिस व्यक्ति का मोबाइल छीना गया था उसके द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े थे। दौड़ाने पर बाइक से गिरने पर मौत हुई या ग्रामीणों की पिटाई से मौत हुई, ये विवेचना का विषय है। इसकी जाँच की जा रही है। जाँच में यदि पिटाई की बात सामने आती है तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में जनपद की थाना पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए आए दिन सफलता पा रही है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह रेवतीपुर थाना पुलिस ने एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सुबह करीब 6:45 क्षेत्र के बिरऊपुर मोड़ के पास से टॉप 10 अपराधी रेवतीपुर निवासी संतोष यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त का चालान कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ हेड कांस्टेबल सुरेश चंद सरोज और कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल थे। मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने शनिवार की सुबह 2 स्थानों से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 तमंचा बरामद किया। इस संबंध में कोतवाल अशेष नाथ सिंह ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह यादव पुलिस कर्मियों के साथ शांति व्यवस्था के मद्देनजर सुबह गश्त पर थे। इसी दौरान आदिलाबाद चौराहा के पास बाइक सवार संदिग्ध जफरपुरा मोहल्ला निवासी मुख्तार रायनी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद उप निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर परसा तिराहा के पास बलिया जिले के उजियार थाना के नरही निवासी राहुल यादव को भी गिरफ्तार किया। उसके पास एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल चंदन पासवान, कांस्टेबल रत्नेश कुमार सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार शामिल रहे। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के राजापुर ग्राम प्रधान के दरवाजा पर शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य वक्ता जिला संघ चालक अशोक राय, अध्यक्ष नित्यानंद त्रिपाठी, राम उग्रह पांडे, वीरेंद्र कुमार राय, बिहारी राय, गोपाल राय, रविन्द्रनाथ राय, बच्चन राय, सतीश चंद्र राय आदि मौजूद रहे। स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने यूपी कॉलेज वाराणसी में नव नियुक्त भ्रष्ट सचिव एवं शिक्षा समिति के सदस्य एआर खान को बर्खास्त करने के लिए 16 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का समर्थन किया है। शनिवार को विकास भवन चौराहा पर यूपी कॉलेज प्रबंधन तंत्र का पुतला फूंक कर अपने गुस्से का इजहार जाहिर किया। मांग किया कि एआर खान जैसे भ्रष्ट सदस्य की सदस्यता शिक्षा समिति से जल्द रद्द की जाए, उनके कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। चेतावनी दी, यदि समय रहते जांच नहीं कराई गई तो गाजीपुर के छात्र संघ तमाम छात्र संगठनों के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पुतला फूकने वाले छात्रों में सिद्धांत सिंह, करण, ऋषु प्रताप सिंह, पुष्कर सिंह, पुष्पेंद्र उपाध्याय, आकाश सिंह, कन्हैया चौरसिया, ओजस्व साहू, रोशन सिंह, ऋषु राय, शिवम उपाध्याय आदि छात्र शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।